हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो, जहां पे आज हम खेलने जा रहे हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम है गाइस कमला। सो जो कि है गाइस एक इंडियन गेम। तो फटाक से चलते हैं गाइस गेम के अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं गाइस गेम के अंदर और देख सकते हो यहां पे हमको लैंग्वेज सेलेक्ट का दे दिया। यहां पे देख सकते हो गाइस हम इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेज पे खेल सकते हैं, बट अभी हम गाइस इंग्लिश ही रहने देते हैं। और यहां पे देख सकते हो गाइस साइड पे लिखा हुआ है पेशाब करना मना है। यार एकदम से इंडियन थिंग्स है यार, जे मैंने देखा है जिस दीवार पे ये लिखा होता है ना, मतलब बंदे वहीं पे जाके सबसे पहले सुसु करते हैं गाइस। तो जो भी हो जोक सपाट। सो अभी हम चलते हैं गाइस गेम पे और यहाँ पे स्टार्टिंग पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टार्ट ऑप्शन और क्रेडिट। नाइटमेयर मोड अभी हमारा अवेलेबल नहीं है, तो अभी गाइस हम नॉर्मल मोड ही खेलने वाले। सो प्लेसिंग एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द टेम्पल विल गिव यू जो भी हो समथिंग कुछ है। और कमला हैड ए बिग स्माइल ऑन हर फेस ऑन हर वेडिंग डे एज शी वॉज एवरीवन वेलकम कमला टू हर न्यू होम विद लव एंड हैप्पीनेस। सो यहाँ पे स्टोरी बोला जा रहा है कि कमला का क्या हुआ। हाउएवर डेस्टिनी हैड डिफरेंट प्लान्स ऑफ हर फॉर हर। कमला वॉज पॉसेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट एंड हर पर्सनैलिटी चेंज डिस्ट्रैक्टिकली। द स्पिरिट दैट टूली टुक ओवर ओवर कमला टर्निंग हर इनटू अ हॉरिफाइंग मैन ईटिंग मॉन्स्टर। Desperate for help, the rest of the family ran away and searching for anyone that can save Kamla. Okay, wait. With some fortunate luck, the message reaches the tantric priest who is now determined to exorcise Kamla. So guys, एक है हमारा यहाँ पे कमला जो कि है guys मतलब शादी वगैरह करके आई थी, ठीक है, but हमारे यहाँ पे क्या हुआ था? Okay. So यहाँ पे देख सकते guys हिंदी यहाँ पे मंत्र वगैरह चल रहा है, ठीक है, I think मेरे को यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पे देख सकते हो यार एक बाहर एकदम guys अंधेरा वाला environment है और मेरे को सामने जाना होगा। आई थिंक क्या यहाँ पे यार लाइट वगैरह भी देख सकते हो यार, पूरा एकदम इंडियन वाइब दिया गया है इसको। बट पेशाब यार ये तो वही वाला दीवार है, आई थिंक मेरे को अंदर जाना होगा क्या। प्रभाकर निवास 2478। ओके गाइज, सो मैंने यहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया है गाइज और देख सकते हो ये आई थिंक वही वाला दरवाज़ा है जो कि हमको आई थिंक इसी से अंदर हमको कमला मिलेगा जो कि जिसको हमको आई थिंक हेल्प करना है उस आत्मा से निकालने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक मेरे को ये आग जल रहा है तो मेरे को आई थिंक कुछ आग निभाने के लिए कुछ चाहिए होगा। यहाँ पे पानी वगैरह कुछ मिलेगा क्या मेरे को? यहाँ पे एक देख सकते हैं गाइज एक वो लैम्प है, ये क्या है? आई थिंक कुछ है, अभी हमको कोई काम नहीं आएगा। बट यहाँ पे गाइज देख सकते हो भाई ये आई थिंक मेरे को लग रहा है कि स्टोर रूम जैसा है, मतलब हमारे इंडियंस में जैसा। ओह शिट यार, ये काफ़ी स्केरी साउंड था वैसे तो। मेरे को एक्चुअली कुछ चाहिए होगा जिस पे कि आई थिंक मैं पानी वगैरह भर के इस पानी को बुझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइज देख सकते हो हमारा इंडियन जैसा हमारा वो होता है ना, मतलब पानी का वो नल है यहाँ पे। और मेरे को चाहिए होगा कुछ, क्या मैं इस सब से उठा सकता हूँ क्या? मेरे को कुछ ऐसा चाहिए होगा जिस पे कि मैं पानी भर के उस जगह का मतलब आग को बंद कर सकूँ, ठीक है, बुझा सकूँ। यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई, मेरे को कुछ कटोरा वगैरह कहाँ मिलेगा? इस साइड पे देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे को कुछ कटोरा जैसा मिल गया है। ओके, हमको अब क्या करना होगा? इससे आई थिंक हमको पानी भर सकते हैं इससे हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे को नल तो दिख गया था। अरे इसका जो वो है ना वो नहीं है इसका। अच्छा मेरे को समझ गया, वो जो अंदर था ना वो इस पे लगेगा आई थिंक। सो उसको भी लेके आते हैं गाइस। ये आई थिंक वहां पे लगेगा, ठीक है, ये वहां पे लगेगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पानी से मैं ये बुझा सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अंदर जा पाएंगे। ये आई थिंक यहाँ पे लगेगा, होल्ड इंटरेक्ट की टू। ओके यहाँ पे देख सकते हो राइट पे यहाँ पे पानी भर रहा है हमारा, फिलिंग वाटर। तो हमारा यहाँ पे पानी भर चुका है अभी गाइस। इसको मेरे को वहाँ पे मतलब पानी फेंकना होगा इसके अंदर, इससे बुझेगा क्या? अभी बुझेगा कैसे? ब्रो ओके अच्छा ओके, और एक बार मेरे को चाहिए होगा। यहाँ पे पूरा पानी नहीं बुझा है तो मेरे को यहाँ पे फिर। ओ भाई अंदर से कैसा आवाज़ आ रहा है भाई,
ओके बट गाइस अभी हम थोड़ा पानी भरने पे फोकस कर रहे थे अंदर, तो मेरे को जाके देखना ही पता ही चलेगा मेरे को अंदर क्या होगा। सो अभी हम गाइस पानी से आग बुझाने वाले, और यहाँ पे गाइस हमारा आग बुझ गया और अभी मैं जाने वाला हूँ अंदर, ठीक है। प्लेसिंग एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टू द टेम्पल विल कीप यू सेफ फ्रॉम कमला। ओके सो मेरे को यहाँ पे कुछ टेम्पल वगैरह है जिसपे कुछ आई थिंक रखने से मेरे को कमला से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। ईस एंड ट्रैक ये से ओके गाइस, बाकी सब तो ठीक है। फाइंड कमला, सो गाइस मेरे को यहाँ से अभी क्या करना होगा, कमला को फाइंड करना होगा। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो एकदम गाइस इंडियन वाला वाइब है यहाँ पे, जैसे हमारे इंडियन घर वगैरह में होता है, मतलब एक सोफा वगैरह, वॉल क्लॉक। ओके यहाँ पे कौन सा, क्यों फोन बज रहा है? अरे ये मैं उठा नहीं सकता क्या? ये उठा नहीं सकता मैं। ओके मेरे को अभी कमला को ढूंढना है, और यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये सब कटोरी वगैरह, ये खोल सकता हूँ। इसके अंदर ये क्या है, कलेक्टेबल्स। ओके मेरे को आठ चीज कुछ चाहिए होगा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ ओल्ड मेमोरीज टूडे, रिमेंबर वेन वी केम होम लेट आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, वी वुड हाइड अंडर द बेड्स और इन साइड द कपबोर्ड सो दैट दादाजी कुड नॉट फाइंड अस। ही हैड इवेंचुअली कैच अस एंड वी वुड टेक क्वाइट द बीटिंग, बट आई समहाउ मिस दो सिंपल टाइम्स। सो गाइज यहाँ पे मेरे को दिख गया है कि मैं शायद या तो बेड्स के अंदर छुप सकता हूँ, या फिर ये जो है ना इसके अंदर मैं छुप सकता हूँ, ठीक है। तो कमला वगैरह अगर आएगा तो मैं यहाँ पे गाइस ऐसे छुप सकता हूँ। सो यहाँ पे सॉल्ट बोल, दिस इंग्रेडिएंट होल्ड मच पाउडर्ड बियॉन्ड द कुलिनरी यूजेस, व्हेन इट कम्स टू रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल सॉल्ट कैन बी ए वाइटल मटेरियल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एविल स्पिरिट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ। सो गाइज यहाँ से हमको पता चलता है कि हमको प्लेस आइटम इन द कोर्ट यार्ड, तो मेरे को आई थिंक ये कोर्ट यार्ड पे कहीं पे प्लेस करना है। ये मेनली क्या होगा, इविल स्पिरिट्स से बचने के लिए हमको काम आता है, ठीक है। बट मेरे को ये कहाँ पे प्लेस करना है वही मैं समझ नहीं पाया। आई थिंक ये कौन सा जगह है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है गाइज। मेरे को कमला को फाइंड करना था पहले, तो मेरा वही काम था। आई मीन यहाँ पे गाइस इसका, यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इस साइड पे ही जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट वगैरह ठीक से चल रहा है। तो आई थिंक ओके ये कौन सा जगह है मुझे नहीं पता। ये गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे सही में ना कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ब्रो ये क्या है, ये कोई सा एक रूम है जिसके अंदर गाइस हॉरर वाइब आ रहा है मेरे को कुछ। ये मैं बाहर आ गया, बारिश हो रही है यहाँ पे यार, बाहर तो बारिश नहीं हो रही थी, अंदर बारिश हो रही है भाई। बट मैं इस वाले रूम पे जाता हूँ, क्या पता मेरे को पहले तो उसको ढूंढना था, इविल स्पिरिट को, उसके बाद मैं शायद कहीं जा पाता। ये कौन सा जगह है, बट मैं आई थिंक उसको भी खोल सकता हूँ यार। वैसे फर्स्ट इंडियन गेम के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया बनाया है इस गेम को, सुन रहा था मैं। बट यहाँ पे मेरे को तो ढूंढना है एक्चुअली उसको, इविल स्पिरिट को, बट जो कि मैं ढूंढ नहीं पाया अभी तक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है ब्रो। ये मैं खोल सकता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है। मेरे को आई थिंक उसी साइड पे जाना चाहिए मेरे को। ये क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वैसे मैं इस साइड से आया था ना, मैं इस साइड से आया था आई थिंक। ओबे शिट 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 ब्रो, भाई एकदम से किसी ने वहां पे भाई एक चेयर फेंका वहां से, ठीक है। आई डोंट थिंक ये जगह सेफ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था, मेन बात यह है। नीड बेडरूम की, मेरे को की चाहिए होगा इस यहाँ से जाने के लिए। लास्ट टाइम मैं यहाँ से बैक चला गया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी गाइस कुछ नहीं है। शेट अंदर से क्या कुछ आवाज आ रहा है ब्रो। यहाँ पे किसी का बेड है, ये आई थिंक रसोई रसोई घर है, ठीक है। यहाँ पे मेनली किचन का काम होता है, ठीक है गाइस। ये क्या है, मेरे को लगा था मैं वो उठा सकता हूँ, ठीक है। बट
मैं वहां से गाइस उठा नहीं सकता। और देख सकते हो यार पूरा एनवायरनमेंट एकदम इंडियन है गाइस, जैसे कि मतलब किचन वगैरह जैसा होता है इंडियन घर में वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। मेन बात ये सबसे बड़ी बात है गाइस कि इंडियन एनवायरनमेंट दिया है। ओके ये कौन सा, ये रूम पे मैं आया था, मेरे को मेनली मैप याद करना होगा ठीक है। अच्छा एक के साथ एक कनेक्टेड है ब्रो, मैं एक ही जगह पे घूम रहा हूँ, मेन बात ये है। मेरे को जाना किधर है, यहाँ से तो मैं बाहर आ गया। मैं खोल सकता हूँ क्या, बट इसके अंदर भी कुछ नहीं है। मेरे को बेडरूम की चाहिए, बेडरूम की पे आई थिंक वो मिलेगा। ओके उस साइड पे देखना पड़ेगा मुझे। और यार ये तांत्रिक हाँ पर आया ऑलरेडी, मेरे को ये वाला भी देखना चाहिए। यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब वगैरह देखना पड़ेगा। ये क्या है, कुछ है क्या? हाँ ये ऐसे आएगा क्या, ये कुछ पजल वगैरह आई थिंक। ओके इस पे कुछ नहीं है, ये आई थिंक कुछ पजल वगैरह है। ये मैं अगर राइट पे ले लूँ, इसको मैं अगर लेफ्ट पे ले लूँ और इसको नीचे, कुछ हुआ क्या चेंज? मेरे को तो नहीं लगा। समथिंग कैन बी प्लेस्ड हियर, यहाँ पे कुछ रखना होगा मुझे। आई थिंक मैं इस साइड पे नहीं गया था, मैं बाद में देखता हूँ गाइज वो पजल। बट अभी मेरे को ओके ये क्या है, कलेक्टेबल्स आर्ट, वो मेरे को आर्ट चाहिए होगा। बट अभी मैं आई थिंक दूसरे जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं पहले नहीं आया, ठीक है। शिट यार ये टूट गया, पता नहीं क्यों टूटा बट टूट गया। सो गाइस मेरे को कमला मिल गया है यहाँ पे। अबे ये वो है एक्सरसाइज कमला। ओके मेरे को कमला वहां पे मिला था ठीक है। तो ये आई थिंक कुछ मतलब पूजा का कमरा था वो। ओके प्लेस आइटम्स इन द कोर्ट यार्ड। सो गाइज अभी हमको चाहिए चाम्पोर, होली वाटर, कौन सा, पूजा की थाली, सॉल्ट बोल, प्रेयर बुक और कलाश, कलाश पॉट। ओके मेरे को यहाँ पे कहीं से भी। ओके गाइज सो अभी हमने एक तो रख लिया ऑलरेडी। मैं छुपू तो क्या, छुपू कहाँ पे ब्रो? यार ये मेरे को मार देगा, मैं इसको अंदर जा सकता हूँ? यार प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं देखना चाहिए वो मेरे को। यार मेरे को थोड़ी पता था वो रखने के बाद एकदम से आ जाएगा वो भी चीखते चीखते। शिट नहीं प्लीज जा तो अच्छा है यार, यहाँ पे नहीं आना चाहिए वो, यहाँ पे छुपने का कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पे इस रूम पे कोई भी जगह नहीं है छुपने का। ओके गाइस तो मेरे को याद रखना होगा इस रूम पे कुछ नहीं है छुपने का ठीक है। अच्छा ये वही रूम है। ओके इस रूम पे गाइस छुपने का जगह है तो मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ ठीक है। तो मेरे को यहाँ से भी देखना पड़ेगा। ये गाइस, अरे यार भाई इंडियन थिंग्स ब्रो। ओके यहाँ पे मेरे को और क्या क्या चाहिए, चाम्पोर, होली वाटर, और मेरे को पांच चीज़ें चाहिए ठीक है। मैंने लवण की टोकरी मतलब नमक की टोकरी तो मैंने वहाँ पे लगा दिया, अब मेरे को ढूंढना होगा और पांच चीज़ें ठीक है।
तभी मैं इसको आई थिंक हेल्प कर सकता हूँ इसको. आई वॉज स्टार्ट स्टेयरिंग एट द एम्ब्रॉयडरी पीस मिस्टर मुकेश गिफ्टेड अस टुडे. इट्स नाइस ऑफ हिम टू गेट्स अस सच ब्यूटिफुल डेकोरेशंस एवरी दिवाली, बट दिस वन फेल्ट ऑड. आई थिंक द शेप पैटर्न चेंज डायरेक्शन, बट वेन आई स्पोक टू दादाजी अबाउट इट ही सेड आई नीड टू फिक्स माई स्लीप. ओके भाई, इससे क्या पता वो आ जाएगा क्या. ओके छोड़ देते हैं गाइस, अभी मेरे को मेनली ढूंढना है बाकी सब चीज़ है और यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है. ठीक है, मेरे को आई थिंक उसके आसपास बगल वाले रूम्स पे ही मिलेंगे कुछ मिलना होगा. तो मेरे को कमला कहाँ दिखी थी, यहाँ पे ये सब पे कुछ नहीं है. ये तो वही वाला जगह है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है. ये सब नहीं उठा सकता मैं यार, इतना बड़ा है भाई ये रूम, क्या ही बताऊँ मैं. ओके इस पे नीचे भी मैं छुप सकता हूँ. ठीक है ठीक है, आई गॉट दिस. ये लास्ट टाइम ना टूट गया था यहाँ पे ब्रो, बाहर है वो. मेरे को आवाज आया बाहर है मतलब कि शिट, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए प्लीज, नहीं जा, भाग जा, मत आओ यार. यहाँ पे छुपने का जगह भी नहीं है कुछ. शिट लेफ्ट से आ रही है वो भाई. ये उसका कमरा है ना, प्रार्थना का कमरा है आई थिंक, इस पे नहीं आएगी यार. वो बाहर ही घूम रही है भाई, जाओ ना यार. चली गई वो, मेरे को आई थिंक वो सीधा गई है, तो मेरे को भी सीधा नहीं जाना चाहिए. मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा कि दूसरे रूम्स पे कहाँ पे क्या क्या है, कुछ है तो मेरे को वो उठाने पड़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है, ये सब मैं उठा नहीं सकता ब्रो. मेरे को आई थिंक इस जगह पे दिख रहा है क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए. बाहर वाला सीन है ये, कौन सा मेरे को लास्ट टाइम कुछ वो दिखा था मेरे को, बट मैं ले नहीं पाया था वहां से. यहाँ पे ओके गाइस, हमको मिल गया है प्रेयर प्लेट. ओके सो मेरे को अभी यहाँ पे उसको रख. शिट यार, कौन से रूम था, ये रूम था नहीं, ये रूम नहीं था, उस साइड के रूम पे था. भाई मैं बच गया, मेरे को लगा था पेल देगी वो आके. बाहर है भाई, नहीं दिखना चाहिए मैं उसको. यार मैंने वहां पे गलती से घंटा बजा दिया यार. यार ये मंत्र भी पढ़ रहा है, ओम नमः शिवाय बोल रहा है भाई. यार नहीं, आई थिंक वो गई. कहाँ रखना है इसको, कहाँ रखना है मेरे को, यहाँ से उसको उस... अब मेरे को भागना है ब्रो. ओके बच गया भाई, दो चीज मैंने रख लिए गाइस, अब मेरे को और चार चीजें चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को दो चीज रखने के बाद मौत करीब है. ओके यहाँ पे मेरे पास कुछ शिट यार, एक तो भाई ये बहुत वो है भाई, ये दौड़ ही नहीं पाता वो भाई, देख सकते हो यार सामने से जा रहा है वो. ओके गाइस सामने ही है, मेरे सामने ही है,
वो बस निकाल के ना मारे भाई। ओके अभी मैं निकलता हूँ गाइस, थोड़ा जिगल्स और आवाज तो नहीं आ रहा है, आई थिंक गई अभी, आई थिंक मैं निकल सकता हूँ, नहीं अभी भी है, फिर से आ रही है भाई, क्यों भाई, तेरा सर काट दूंगी ब्रो। अब मेरे को यहाँ से निक, आई थिंक वो कहीं, यार कितना टाइम, आ रही है यार, वो यहीं पे घूम रही है यार, इस रूम पे मेरे को ये कहाँ लगेगा ये देखना पड़ेगा मुझे, ये क्या यहाँ पे लगेगा, समथिंग कैन बी प्लेस्ड हियर, मेरे को अच्छा मेरे को वहाँ पे रखना था, एक कौन सा जगह दिखा था मेरे को वहाँ पे गाइस, एक वो था वहाँ पे लगेगा ये, एक कौन सा, एक ये कुछ मूर्ति टाइप का है जो कि कहीं पे रख सकता हूँ मैं, ये मेरे को कहाँ रखना होगा यार, मैंने देखा था लास्ट टाइम उसको, मैंने घुमा दिया वो जगह, यहाँ पे नहीं है वो, आई थिंक यहाँ से था वो, ये वाला जगह था क्या, ओके ये वाला जगह है गाइज, आई थिंक ये कौन सा जगह खुला है, ओके मैं भी, नीचे है कोई, नीचे कोई है वहां पे, मेरे को देखना भी है बट नीचे, शिट सामने है यार, मैं छुप जाता हूँ यार, मेरा हालत खराब हो रहा है यार, वो घंटा खुद से ही बच जाता है यार, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे, अभी निकलते हैं, नहीं ऐसे टाइम पे निकला मैं, अबे यार भाई उसने एकदम से मार दिया यार, 3 लाइफ से 1 लाइफ चला गया यार। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी लाइव्स हम नेक्स्ट वीडियो के कवर करेंगे, और अभी मैंने गाइस 3 चीज़ें ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक लिए टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।